आज की वीडियो में हम 10 से 12 साल की बच्ची के लिए डिजाइनर फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं। उसके लिए हमने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है, प्रिंटेड कपड़ा है, और आधा मीटर ये हमारे कपड़े में से बचा हुआ कपड़ा है। इसी को यूज करते हुए हमें इसे डेकोरेट करते हुए फ्रॉक को स्टिच करना है। तो देखते हैं हमारे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से है। सबसे पहले हम शोल्डर को कट करेंगे और उसके बाद नीचे का घेर कटिंग करेंगे। शोल्डर की कटिंग करने के लिए कपड़े को हम 4 डबल घड़ी में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का नाप हमारा 6, यहाँ से हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। हाफ राउंड का नाप लेंगे 5.5। जहाँ पे हमने हाफ राउंड का नाप लिया है वहां पे हम चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। छाती का नाप हमारा 8.5 है, 1.5 इंच माया। हाफ राउंड का जो नाप है यहाँ से सेंटर में हमें डॉट करना है। 1/2 इंच ऊपर लेते हुए हम हाफ राउंड का शेप डालेंगे। हाफ राउंड का शेप हमें सिर्फ बैक साइड का डालना है। इस तरह से हाफ राउंड का नाप डालने के बाद ऊपर से जहाँ पे हमने हाफ राउंड का डॉट किया है वहां से हमें ऊपर से 2.5 इंच पे डॉट करना है। जहाँ पे हमारा हाफ राउंड का शेप तैयार है वहां से ऊपर से हाफ राउंड पे हमें 2.5 इंच पे डॉट करना है। और यहाँ से हमें इस तरह से राउंड शेप लेते हुए इसी के मुताबिक हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है। ये हमारा बंद भाग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। घेर के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए उसके लिए हमने 4 डबल कपड़े में घड़ी को डाल दिए है। ऊपर का शोल्डर कटिंग होने के बाद उसके नीचे से हमें यहाँ पे चुन लेते हुए जो घेर तैयार करना है उसके लिए हमने 4 डबल कपड़े में घड़ी डाल दी है। इसी के नाप के मुताबिक हमें ये इसे इस तरह से रखना है। यहाँ पे शोल्डर पे इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ से हम फ्रॉक की पूरी लंबाई लेंगे। फ्रॉक की पूरी लंबाई हमारी 42 है, 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। हमने 4 डबल में कपड़े की घड़ी जो डाली है इसे कट ना करते हुए हमें पूरा इसी तरह से लेना है। यहाँ पे हमारा बंद भाग है, इसे हम कट कर लेंगे और इसे चून लगाते हुए इसके नीचे घेर किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। कपड़े की हमने नीचे से कटिंग कर ली है। अब इसके साइड से हमें यहाँ पे इधर से इधर की तरफ 2.5 इंच लेते हुए यहाँ पे हाफ राउंड का डायग्राम डालना है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे डॉट करेंगे और ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हाफ राउंड के लिए 7.5 पे डॉट करेंगे। इस तरह से बॉक्स तैयार करते हुए हमें यहाँ पे हाफ राउंड का शेप डालना है। क्योंकि हमने ऊपर से जो शोल्डर की कटिंग की है उसमें हमने 2.5 इंच पे कटिंग करी हुई है, इसीलिए हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हाफ राउंड का डायग्राम डालेंगे। इसी के मुताबिक हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। हाफ राउंड की कटिंग होने के बाद एक साइड का कपड़ा लेंगे और एक साइड के कपड़े को साइड में रखेंगे। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसे 1/2 इंच के फासले पे इस तरह से इसे पूरा इस हाफ राउंड से लेके इधर के साइड के हाफ राउंड तक पूरा स्टिच करते हुए इसी तरह से प्लेट्स लगा लेनी है। हमने हाफ राउंड जहाँ पे हमारा इसके सेंटर में इधर से हमने 3.5 इंच छोड़ा है और इधर से हमने 3.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे बीच में 1/2 इंच के फासले पे प्लेट्स लगा ली है। अब हम इसे शोल्डर पे किस तरह से ऐड करना है वो देखेंगे। हमने जो ये कपड़े कट करके रखे थे इसे हम सीधी साइड पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच करते हुए हमें ये चून को यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेना है। उल्टी साइड पे रखेंगे, इस तरह से उल्टी साइड पे रखते हुए हमें ये 1/2 इंच पे इस तरह से स्टिच करते हुए पूरे गोल घेरे को ये चून लगा लेनी है। इसी तरह से हम बैक साइड को भी तैयार कर लेंगे। स्टिच करते हुए हमने यहाँ पे ये कपड़े को ऐड कर दिया है। देखिए, इस तरह से हम ये लेस लेंगे और यहाँ पे गले पे जहाँ पे हमने स्टिच किया है वहां पे लेस को स्टिच करते हुए यहाँ पे भी लेस को इस तरह से ऐड कर लेंगे। लेस को हमने स्टिच करते हुए यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हमें कपड़े के ऊपर ही करना है, बैक साइड की भी और फ्रंट साइड की भी। सबसे पहले हम फ्रंट साइड की गले की कटिंग करेंगे। 2 इंच हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। सामने का गला हमें 5 इंच का लेना है। 2 इंच पे डॉट करेंगे। बॉक्स तैयार करते हुए इसे हम राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे।
इसी तरह से हम बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। गले कटिंग होने के बाद हम बैक साइड को फ्रंट साइड पे रखेंगे और शोल्डर से शोल्डर आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर से शोल्डर हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। शोल्डर की स्टिच करने के बाद गले को हमें पाइपिंग करनी है। उसके लिए हमने ये देखिए ब्लैक में कपड़ा ले लिया है। इसे हम डबल फोल्डिंग इस तरह से करेंगे। 2 इंच की चौड़ाई में हमने वेरेबी कट में ये कपड़ा कट किया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अंदर की तरफ से इसे आधे इंच पे स्टिच लगा लेंगे। आधे इंच पे स्टिच लगाने के बाद जो हमारी स्टिच है उसे हम इधर की बाहर की तरफ लेते हुए कपड़े को इधर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इस तरह की यहाँ पे ये पाइपिंग तैयार करनी है। गले को हम इसी तरह की स्टिच करते हुए पाइपिंग ऐड कर लेंगे। गले को हमने यहाँ पे पाइपिंग कर ली है। गले हमारे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हमें साइड की यहाँ पे स्लीव्स अटैच करना है। हमने इसकी स्लीव्स कटिंग नहीं की थी। पहले हम इसका हाफ राउंड गिनते हुए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए 9.5 डायग्राम डालते हुए स्लीव्स को कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये 4 कपड़े को डाल दिया है। इसकी पूरी लंबाई हमने 25 इंच की ली है। कपड़े की चौड़ाई हम कपड़े के मुताबिक रखेंगे। ये देखिए 9.5 हमारे कपड़े की चौड़ाई है। यहाँ पे हमें चुन्नट लेनी है, इसलिए हम 10.5 पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े की घड़ी ली है हमने। ऊपर से हम 2.5 इंच पे डॉट करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हाफ राउंड का शेप डालेंगे। 1.5 इंच अंदर लेंगे, हाफ राउंड का शेप हमने यहाँ पे डाल दिया है। कपड़े की कटिंग हम इसी तरह से रखेंगे, हमें सिर्फ हाफ राउंड की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। स्लीव्स को हम हाफ राउंड के दोनों साइड पे अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हमें इलास्टिक किस तरह से ऐड करना है वो देखेंगे। दोनों साइड से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे सेट्स भी लगाई है। अब यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स का घेरा है यहाँ पे हम 1/2 इंच पे इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसे 1/2 इंच पे स्टिच करते हुए यहाँ पूरी स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है। स्टिच करते हुए हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक अटैच करना है। स्लीव्स को हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से 2 इंच पे हमें एक डॉट लगाना है। फिर से एक डॉट लगाएंगे, फिर से एक डॉट लगाएंगे। इस तरह से हमें 3 डॉट लगाने हैं। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है इसी के लेवल में हम यहाँ पे रॉन्ग में लाइन ड्रॉ करेंगे। तीनों लाइन ड्रॉ हमने यहाँ पे कर ली है। अब इसी के ऊपर हमें स्टिच करते हुए यहाँ पे इलास्टिक ऐड करना है। इस तरह से हमने ये स्ट्रेचेबल में इलास्टिक ले लिया है। ये बॉबिन में भरने वाला इलास्टिक है। इसे हम बॉबिन में ऐसे लपेटते हुए बॉबिन को फुल कर लेना है। बॉबिन में हमने इसे इलास्टिक को पूरी तरह से भर लिया है। अब बॉबिन में अटैच करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाते हुए इलास्टिक स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को हमने यहाँ पे इलास्टिक ऐड करते हुए स्लीव्स हमारे तैयार कर लिए हैं। हमारी दोनों साइड की स्लीव्स तैयार हो गई है। अब इसे हम उल्टी साइड पे डालेंगे। उल्टी साइड पे डाल दिया है। अब इसे हम 1/2 इंच पे यहाँ पे स्टिच करते हुए पूरे फ्रॉक को सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से हम इसकी 1/2 इंच पे फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद हमें कमर में बेल्ट तैयार करना है। बेल्ट को किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। 1/2 इंच पे हमने इसे स्टिच करते हुए पूरे फ्रॉक को तैयार कर लिया है। वो बेल्ट किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। बेल्ट के लिए हमने ये कैनवस पेपर ले लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच की ली है और लंबाई हमने इसकी 14 इंच की ली है। फिर से हम व्हाइट कपड़ा लेंगे और इस पे इसे यहाँ पे इसे प्रेस करते हुए चिपका लेना है। ये देखिए पेपर कैनवस को हमने कपड़े के ऊपर यहाँ पे प्रेस करते हुए चिपका लिया है। अब इसे हम इधर की साइड से 1 इंच पे फोल्ड करेंगे। इधर की साइड से 1 इंच पे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाते हुए पूरे बेल्ट को तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। यहाँ पे फोल्ड करते हुए
हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। स्टिच लगाने के बाद जो लेस हमने यहाँ पे ऐड किए वही लेस हमने एक साइड पे ऐड कर लिए है। और ये देखिए यहाँ पे इसे टच बटन भी तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बेल्ट तैयार हो गया है। इसे हम यहाँ पे फ्रॉक पे किस तरह से लगाना है वो देखेंगे। ये देखिए जो बेल्ट हमने तैयार किया है वो बेल्ट को हमने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लिया है। और ये देखिए हमारे फ्रॉक का लुक कितना खूबसूरत और कितना स्टाइलिश आ रहा है। आप ये फ्रॉक को कोई पार्टी में या फिर कोई फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से और सिंपल कपड़े से हमने ये डिजाइनर फ्रॉक को तैयार किया है। आपको अगर ये फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। फोटो भी लेते हैं।